बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सीवर लाइन प्रोफाइल इन एक्सेल के। आप कोई भी प्रोफाइल को एक्सेल के अंदर कैसे ड्रा कर सकते हैं सीवर की, उसके मतलब पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। ये पूरी टेम्पलेट बनी हुई है, इसको शुरू से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर पूरे लिंक्स लगे हुए हैं, आप कोई भी एलिवेशन इसे चेंज करते हैं तो ये देखेंगे कि आपके पास सारा डेटा ऊपर से चेंज हो जाता है और नीचे भी इसी तरीके से ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा। ये पूरी वर्किंग के मतलब हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि आप इसको कैसे बना सकते हैं, क्या इसका मेथड है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को तो ये हमने आखिरी वीडियोज बनाई थी अपने सीवरे के मतलब सारी चीज़ें, और इसका हमने प्रोफाइल्स वगैरह भी जो थे वो सारे हमने इसका प्लान प्रोफाइल ऑटो कैड के ऊपर भी सेट किया था। तो अभी अगर ये जो प्रोफाइल्स वगैरह है जो इसकी, इसको अगर आप इसी तरह इस डेटे के ऊपर से अगर आप इसको एक्सेल के अंदर बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बना सकते हैं, बहुत सिंपल और वे होएगा। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको इस पूरे प्रोसेस की समझ आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि स्टेशन, आपने ये स्टेशन इधर से कॉपी कर लेने हैं। आप कॉपी कर सकते हैं, अलग भी बना सकते हैं। तो मैं इधर से जस्ट मैनुअल वाली शीट है कॉपी करता हूँ, इधर से आके राइट क्लिक करके इंसर्ट शीट के ऊपर आता हूँ और न्यू शीट इधर से इंसर्ट कर देता हूँ। इस शीट को मैं सेकंड नंबर के ऊपर रख देता हूँ, इधर से फर्स्ट नंबर के ऊपर मैनुअल और सेकंड नंबर के ऊपर न्यू। इधर से मैंने ये वाला इसका जो डेटा कॉपी किया है दोबारा कॉपी करता हूँ मैं स्टेशन समेत। कॉपी करने के बाद आपने और इधर आपने इसको पेस्ट कर देना है तो ये स्टेशन आ जाएंगे। इसी तरह आपने इधर आ जाना है और इधर से आपने मैनुअल का टॉप लेवल इनवर्ट लेवल समेत दोनों पोर्शन आपने इधर से कॉपी कर लेने हैं, और कॉपी करने के बाद आपने इधर आना है और इधर आपने पेस्ट एज ए वैल्यूज़ कर देने। वैल्यूज़ इसीलिए कि आगे इसमें फार्मूले लगे हुए हैं सारे, तो जब आप पेस्ट करेंगे तो फार्मूला आपका उधर शिफ्ट नहीं होएगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि आपने सबसे पहले स्टेशन, उसके बाद मैनुअल का टॉप लेवल इनवर्ट लेवल इधर से कर लिए। अगर आप इसके अंदर से कोई और लेवल भी आपने करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जिस तरह की ये एक्सीबिशन का बेड लेवल है। आपने इधर से इसको डेटा को आपने इधर से इसी तरह कॉपी कर ले, राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है और इधर आके आपने इधर इसको पेस्ट कर देना है, पेस्ट एज ए वैल्यू कर देना। तो ये इसमें से आप जो जो सा भी डेटा आप करेंगे पेस्ट करना चाहते हैं कोई भी लेवल्स का, सारा आप कर सकते हैं। हम इधर फोर नंबर तक ही रहेंगे सारा इस इनवर्ड लेवल तक। तो अभी आपने इसको क्या करना है कि जैसे आपने इसको दोबारा ये पूरे डेटे को आपने इधर सेलेक्ट कर लेना है, शुरू से लेकर एंड तक कॉपी करना है और इधर आपने किसी जगह को एक्सेल के ऊपर आना है और राइट क्लिक करना और पेस्ट एज ए ट्रांसपोज आपने कर देना है। आप ये करेंगे तो आप देख आपका डेटा आपका हॉरिजॉन्टली इधर सारा प्लॉट हो जाएगा। प्लॉट होने के बाद इस डेटे के ऊपर आप इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। जिस तरह स्टेशन जा रहा है, स्टेशन को अगर आप नीचे डाउन पे लिखना चाहते हैं तो आप स्टेशन पे इधर से इसको कट कर लें और कट करने के बाद इधर डाउन के ऊपर कर दें। ये स्टेशन हमारे सबसे नीचे आ जाएंगे, उसके बाद हमारा एक्सीबिशन लेवल आ जाएगा सेकंड नंबर पे, उसके बाद इनवर्ड लेवल आ जाएंगे, उसके बाद मेन होल का टॉप लेवल आ जाएगा। तो ये आपने इसी तरीके से इधर कर लेना। तो उसके बाद ये जो कॉलम हमारे बने हुए थे ए जे के और फार्मूला वगैरह जो लगा हुआ था इधर से आपने उसको डिलीट कर देना, ख़त्म कर देना। तो ये हमारे पास इस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये पूरा एक चार्ट इधर बन गया। आपने सबको इसको इधर से सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद शुरू से लेकर एंड तक आपने सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल के ऊपर आ जाना है, इधर से आपने अलाइनमेंट के ऊपर आना है। ये नंबर होएगा सेकंड नंबर पर अलाइनमेंट होएगी, तो आपने जैसे इसके अलाइनमेंट को 90 के ऊपर कर देना है। 90 के ऊपर करेंगे तो आपको सारा टेक्स्ट जो है वो 90 के ऊपर इधर से मूव हो जाएगा और इसकी सारी सेटिंग वर्टिकल बेसिस पे आ जाएगी। इसके बाद आपने इधर से इन सबको इधर सेलेक्ट कर लेना है और इसके डेसिमल प्लेसेस वगैरह आप इधर से उसको एडजस्ट कर सकते हैं और इधर उसकी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, जिससे आप उसको सेंटर कर लें। सेंटर करने के बाद आपके पास ये सिलेक्ट हुआ है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल के ऊपर आ जाए और इधर से बॉर्डर्स के ऊपर आ जाए और इसका बॉर्डर इधर से क्रिएट कर दें। सुबह आप देख रहे हैं कि ये हमारे सारे एलिवेशन वगैरह इधर आ गए हैं, जो जो हमारे पास इधर हमने लगाए थे, अपनी आर डीज था, मेनो का टॉप लेवल था, इनवर्ड लेवल और एक्सीबिशन का बेड लेवल। ये तीनों लेवल इधर हमारे पास आ गए हैं, ये हमारे पास एक्सीबिशन का बेड लेवल है, ये इनवर्ड लेवल जा रहे हैं और ये टॉप लेवल जा रहे हैं। तो अभी आपने क्या करना है, जस्ट एक्सेल के अंदर आपने जैसे पूरे सेल को इसको तीनों लेवल्स को एलिवेशन को जितने जा रहे हैं इसके बाद आपने इसको जैसे सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह आपने ये आप देख रहे हैं कि ये पूरे एलिवेशन मैंने सेलेक्ट कर दिए, इधर से आपने इस सेट के ऊपर आना है
वो जैसे आपने ये देख लेना है कि हमारे पास ये ऊपर कॉलम है इंसर्ट लाइन और एरिया चार्ट, आप इसको क्लिक करना है। तो इधर आप ये मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, आपने ये थर्ड नंबर पे जिस पे ये डॉट्स वगैरह आ रहे हैं सारे लाइन विद मार्कर्स, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो ये हमारे पास चार्ट इधर सामने बन के आ जाएगा। तीनों चार्ट जा रहे हैं, पहला सेकेंड थर्ड, और साइड के ऊपर रिजल्ट भी जा रहे हैं और नीचे इसके नंबर भी आ रहे हैं, सीरियल 1 2 3 पूरे रिजल्ट आ रहे हैं। तो अभी आपने क्या करना है, इसको आपने थोड़ा सा बड़ा कर देना और अपने पूरा ये जो आपने नीचे चार्ट इसका टेबल्स बनाया है इसके बराबर आपने इसको जैसे कर लेना है, और इधर से ऊपर आपने इसको आके और इधर से एडजस्ट कर देना है ऊपर टॉप तक जिधर तक आप इसको करना चाहते हैं। करने के बाद ये वाले जो एलिवेशन हैं इसको थोड़ा सा आप और सेट करके और थोड़ा सा सेल को बड़ा कर दें, और इधर से आप कर सकते हैं इसी तरह इस रोज को भी आप इधर सेलेक्ट कर दें राइट के ऊपर माउस के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, राइट क्लिक करके रो हाइट्स को भी आप इधर से 20 या 25 को बढ़ा सकते हैं, तो ये आपका प्लान इधर से बड़ा हो जाएगा। इसी तरह आपने इसको इधर एंड के ऊपर इधर आके आपने इसको क्लोज कर देना, और इधर से भी आपने जिधर तक आपके पास एलिवेशन से आ रहे हैं उधर तक आपने इसको खत्म कर देना। तो अभी आपको आप देख रहे हैं कि हमारे पास तीनों लाइन इधर आ गई है, पूरा चार्ट इधर ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि हम पहली लाइन को इधर सेलेक्ट करेंगे तो नीचे हमारे पास टॉप लेवल्स, ये मेन रोड के जो टॉप लेवल्स आ रहे हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे पहली लाइन के ऊपर। सेकेंड लाइन को आप सिलेक्ट करेंगे तो सेकेंड एरिया जो इनवाइड लेवल्स आ रहे थे वो जाएंगे। थर्ड नंबर के ऊपर जो तीसरी नंबर लाइन जा रही थी जो हमारी एक्सीबिशन का बैट जा रहा था वो सारे इधर आ जाएंगे। इधर से इसी तरह आप ये देख रहे हैं कि चार्ट का टाइप आप देख लिखना चाहते हैं, इधर से डबल क्लिक करके और इसके ऊपर सीवरेज लाइन प्रोफाइल इन एक्सेल आप जो भी इसका टाइटल देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, और इसका टेक्स्ट साइज भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं जैसे आके इसी तरीके से जितना आप इसको इसकी सेटिंग्स वगैरह करना चाहते हैं वो सारी आप कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इसका कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अभी आप ये देख रहे हैं कि इधर वापस सीरियल 1 2 3 आ रही है, आप उसको जैसे डबल क्लिक करके और इसका कलर वगैरह जो भी लाइन का है वो आप चेंज कर सकते हैं, और उसकी बॉर्डर्स वगैरह भी आप इसके चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने इसके अंदर नाम लिखना है तो आपने नाम कैसे लिखना है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि साइड के ऊपर अंदर ये चार्ट आ रहा होगा, आपने जैसे चार्ट्स एलिमेंट्स आप प्लस करते हैं तो ये वापस एक्सेस सारे डेटा वगैरह आ जाएगा। आपने जैसे लेजेंड्स के ऊपर आ जाना है और जैसे आप इसको क्लिक करना है तो ये आपका अप राइट डाउन जिधर अभी आप इस लेजेंड को रखना चाहते हैं साइड को ऊपर रखना चाहते हैं साइड को ऊपर आ जाएगा, टॉप के ऊपर रखना चाहते हैं टॉप के ऊपर आ जाएगा। हम इसको इधर से टॉप के ऊपर रखते हैं तो ये टॉप के ऊपर हमारे पास इधर से आ जाएगा। इसी तरीके से इसी तरीके से चार्ट को आपने सेलेक्ट करना है और नीचे ये फिल्टर वाले ऑप्शन के ऊपर आपने आ जाना है। जैसे देखेंगे तो ये वापस ये सारी चीज़ें लेयर सारी सिलेक्ट हुई हैं, जो जो सब क्वेश्चन आप सिलेक्ट करते जाएंगे वो सारा आपका सिलेक्ट होएगा। तो अभी आप देखेंगे सीरियल वन, ये सीरियल वन का भी हमने नाम चेंज करना है, आपने जैसे एडिट के ऊपर आ जाना है उसका आपने नाम दे देना है जो भी आप इधर आ रहा है मेन और का टॉप लेवल, तो आप इधर कर दें एम एच टॉप स्पेस दे देते हैं टॉप एम एच टॉप एलिवेशन ई एल ई, तो ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये हमारे पास इधर इसका नाम चेंज हो गया। इसी तरीके से आप दोबारा इस पर आ जाएं और सेकंड नंबर के ऊपर भी आप इधर से डबल क्लिक करके सीरियल नंबर 2 जिधर लिखा हुआ है और उधर आप ये देख सकते हैं कि ये इन्वर्ट्स लेवल है, तो आपने इधर इसका नाम इन्वर्ट लेवल इधर आपने कर देना है। इन्वर्ट लेवल लिखने के बाद ओके कर देंगे तो इन्वर्ट लेवल आ जाएगा। थर्ड नंबर के ऊपर आप ये इसी तरह थर्ड नंबर वाली जो शीट 3 है उसको भी आपने जैसे एडिट के ऊपर आ जाना है और जैसे आपने इसका एक्सीबिशन लेवल हमारा आ रहा था एक्सीबिशन का बैड लेवल, तो आपने जैसे एक्सीबिशन लेवल आपने जैसे लिख देना है। तो ये आप देखेंगे ऊपर हमारे पास ये तीनों इसके लिए चेंज हो गई। इसी तरीके से आप इधर इसको डबल क्लिक कर दें तो ये साइड के ऊपर आपके पास चार्ट इधर से ओपन हो जाएगा। इधर से आपने फर्स्ट के ऊपर आ जाना है, इधर से जो फिल एंड लाइंस है इसके ऊपर आके आप इधर से इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर देना चाहते हैं। टॉप का मैं जैसे ब्लैक देना चाहता हूँ तो मैं इसको ब्लैक दे दूंगा। इसको मैंने इधर से सबको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इधर से मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, ये सारी लाइन मेरी ब्लैक हो जाएगी। उसके बाद इन्वर्ट्स लेवल को मैं इधर से रेड कलर का देना चाहता हूँ, ये रेड हो जाएगा सारा और ऊपर से इसके लेजेंड्स भी ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। इसी तरह नीचे एक्सीबिशन लेवल है इसको भी आप इसका भी जो कोई कलर आप इसका देना चाहते हैं ग्रीन कलर देना चाहते हैं तो ये आपका ग्रीन कलर हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी लाइन आप इसकी चेंज करना चाहते हैं डॉटेड करना चाहते हैं, सपोज अभी ये इनवर्ट लेवल जा रहा है इसको मैं जैसे डॉटेड शेप में लेकर आना चाहता हूँ तो आप इसको डॉटेड लाइन लगा सकते हैं, आप इसको डबल लाइन भी लगा सकते हैं और इसके अंदर आप मुख्तलिफ लाइन के विड्थ वगैरह भी कम या ज़्यादा आप इसके ऊपर कर सकते हैं। इसी तरीके से लाइन के जो भी जितना भी ऑप्शन होगा जो भी सिस्टम है वो आप जैसे उसका
चेंज कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने इसकी लाइन को डबल शिफ्ट कर दिया, ये हमारा पाइप का भी लेवल चला जाएगा। जैसे आप इसी तरीके से इसके विड्थ वगैरह को बढ़ा सकते हैं, इधर 3 पॉइंट आ रहा है तो आप जो भी इसे बढ़ाएंगे तो ये आपकी इधर से लेंस वगैरह इधर बढ़ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास लेन विड्थ बढ़ा दी है हमने, जैसे इसका जो साइज़ था वो भी बढ़ गया। ये हमारे दरमियान में इसके पैप्स वगैरह आ जाएंगे और इधर इसी तरीके से इन लेंस को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके मार्कर्स जो लगे हुए हैं इनको भी आप सिलेक्ट करके इसके कलर्स वगैरह भी आप इधर से चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर देना चाहते हैं, येलो देना चाहते हैं, ग्रीन देना चाहते हैं, कोई भी देंगे तो वो आपका उधर से चेंज हो जाएगा। इसको क्लोज करते हैं इधर से। इसी तरह आप ये थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आपने दोबारा इस डेटे के ऊपर आ जाना है। आपके पास इधर ये दोबारा लेजेंड जो उसके साइड वाले जो एलिमेंट्स वगैरह सारे आ जाएंगे। इधर से आप फिल्टर्स के ऊपर आ जाएँ तो भी आप देख रहे हैं कि जो जो से भी चीज़ों को आप सिलेक्ट करेंगे सारी लाइन्स वगैरह इधर सेलेक्ट हो जाएगी। कोई अगर आप लाइन को नहीं रखना चाहते हैं तो उसको आप अनचेक कर देंगे तो इधर से डेटा उसका ख़त्म हो जाएगा, और जो इसको रखना चाहते हैं तो वो आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड नंबर के ऊपर आप आ जाएँ, जैसे सेकंड नंबर के ऊपर आपके पास चार्ट के मुख्तलिफ टाइप आ जाएंगे। जो से भी चार्ट का टाइप आप रखना चाहते हैं, जिस कलर के ऊपर आप रखना चाहते हैं, ये ऊपर से आप ये देखेंगे तो ये सारे कंप्लीट इसके अलग अलग इसके चार्ट्स आ जाएंगे। कोई भी चार्ट्स वगैरह जो भी आप इसके अंदर रखना चाहते हैं सारे आ जाएंगे। ये ऊपर भी आपके पास ये सारे आएंगे। हम इसको डिफ़ॉल्ट रखते हैं। इसके बाद आपने इसी तरीके से उसको दोबारा सेलेक्ट करना है, प्लस वाले निशान के ऊपर आ जाना है। प्लस वाले निशान के ऊपर आएंगे तो ये डेटा एक्सेस आर आपके पास आ रहा है। आप उसको क्लिक करेंगे तो ये साइड के ऊपर एक्सेस आ जाएंगे। इधर आप इसका नाम लिख सकते हैं कि एलिवेशंस, ये हमारे एलिवेशंस आ जाएंगे। और नीचे हमारे पास जो होगा ये हमारे पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा। इसको डबल क्लिक करके और इसके अंदर आप इसको इसी तरह डी एल एस डिस्टेंस आप इसका लिख सकते हैं सारा। और इसको आप इसके इसको थोड़ा सा बड़ा या छोटा अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं। इधर से इसी तरह आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका बड़ा और छोटा हो जाएगा। और इधर से इसी तरह आपने इसका जो भी स्केल वगैरह वो आप इधर से बड़ा और छोटा इधर से भी कर सकते हैं। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि इसका जो भी आप इसके अंदर लिखना चाहते हैं सिस्टम के वाइज वो आप लिख सकते हैं। इसके अंदर डिस्टेंस लिखना चाहते हैं, नीचे से ये जो नंबरिंग जा रही है नंबरिंग 1, 2, 3, 4 इसके ऊपर भी आप इसको रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं तो आप डिलीट करेंगे तो ये आपका हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप इसी तरीके से इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि हमने ऊपर से आपने इधर आ जाना, तो इधर ये आप डेटा एक्सेस हमारे पास आ गया था। डेटा लेबल्स है, डेटा लेबल्स अगर आप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं तो आपने इसको चेक इन कर देना तो जो आपके नीचे एलिवेशंस वगैरह सारे आ रहे हैं वो सारे आपके इस लाइन के ऊपर आ जाएंगे। अगर आप इसको ऑन रखना चाहते हैं तो उसको ऑन कर दें, ऑफ करना चाहते हैं, नीचे लेवल रखना चाहते हैं तो नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से डेटा टेबल है, आप इसको चेक इन करेंगे तो ये नीचे आपके पास इधर कलर्स में इसी चार्ट के साथ आ जाएगा। डेटा लेवल्स के जितने भी हैं, जितने भी आपको मेनोज का डेटा वगैरह जा रहा होगा वो साथ उसके लेजेंड्स वगैरह आ जाएंगे। जो जिनसे भी आपने ऊपर बनाया हुआ होगा उसके हिसाब से उसका डेटा भी नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास ये एरर बार्स हैं, इसकी तो हमें इधर ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि ये लास्ट के ऊपर आते हैं अप एंड डाउन बार्स, इसको आप चेक इन कर देते हैं तो चूंकि ये हमारा सीवर का प्लान था तो ये हमारे पास इधर जितने भी मेन होल वगैरह होंगे वो सारे इधर से इसके ड्रा हो जाएंगे। इसका कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, इधर से जो सा भी कलर इसका आप चेंज करेंगे, जो भी कलर आप रखना चाहते हैं इधर से, जो भी आपको सूट करता है जिस तरीके से भी ड्राइंग्स के ऊपर आप इसका कलर्स वगैरह को इधर से रख सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको डबल क्लिक करके और इसके अंदर आके और उसके बार्स के साइज़ वगैरह को भी आप इधर से एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं। इधर से आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास टेबल इस तरह ओपन हो जाएगा। इधर से आपने साइड वाला जो आपके पास सेकंड ऑप्शन होगा इफेक्ट्स वाला आप इस पर आ जाए, और इधर से ये जो आपके साइज़ जा रहे हैं इसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप इसको इधर से क्लिक करेंगे ये आपके छोटे बड़े जो भी साइज आप रखना चाहते हैं जिस तरह भी रखना चाहते हैं ये आपका सारा इसका सिस्टम इसके अंदर पूरी एडजस्टमेंट हो जाएगी जितने भी पॉइंट्स के साथ आप इसको इधर से रखना चाहते हैं। इसी तरह आप ये देख रहे हैं कि इधर हमारे पास पूरी प्रोफाइल बन गई है। इसके कलर्स वगैरह जैसे मैं थोड़ा सा इसके कलर को मैं इधर से चेंज करूँगा, थोड़ा सा ब्लैक शक्ल के ऊपर लेकर आऊँगा ताकि ये वाजह थोड़ा सा हो जाए। तो भी आप देख रहे हैं कि इधर ये हमने अपना पूरा इसका चार्ट बना दिया है, सारा कुछ इसकी सेटिंग कर दिया। अभी इधर से आप जो भी एलिवेशन इसका चेंज करेंगे, सपोज अगर मैं 205.209 करता हूँ तो ये आपको देखेंगे जैसे हमारी ये इन्वर्ट लेवल की लाइन भी चेंज होगी। इसी तरीके से आप इधर 200 कर देंगे तो ये लाइन हमारी बेल्ट लेवल की भी नीचे आ जाएगी। इसी तरीके से आप अपना जो भी एलिवेशन इधर चेंज करना चाहेंगे 218.65
भी आपके टॉप लेवल्स भी इधर से बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, सारा कुछ इसका इसी तरीके से होएगा। तो ये आप सबसे पहले आप इस तरीके से भी एक्सेल के अंदर इसको बना सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो मज़ीद सेटिंग्स वगैरह करने वाली है, थोड़े से फार्मूलाज के मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ। इधर से आप एक रैंक को सेट कर दें, रो हाइट को आप इधर से बड़ा कर दें थोड़ा सा, और इधर से आपने इसका जो डिस्क्रिप्शन है आप इधर लिख सकते हैं स्लोप्स, जो भी स्लोप जा रही है मेन होल टू मेन होल वो आप इधर से इसकी दे सकते हैं। बस इसी तरीके से आपने इसको थोड़ा सा इसके बराबर कर देना है, ताकि हमारे पास जो ये फर्स्ट एलिवेशन है और लास्ट एलिवेशन वगैरह जो है इसके जो टेबल है वो उस डेटे के हिसाब से हमारे पास इधर बराबर हो जाए। तो इसके बाद आपने इधर इसके ऊपर जो स्लोप जा रही है वो स्लोप भी लिख सकते हैं। इधर आप देख रहे थे कि स्लोप हमारे पास लाइन की जा रही है 0.009 की। आप इधर इसके पास स्लोप ही हमने लिख दिया है, आप इसको स्लोप को इधर फार्मूले के साथ भी लगा सकते हैं और मैनुअल भी 0.0009 आप लिख सकते हैं, या एरो भी लगा सकते हैं एक चीज़ के ऊपर। तो हम इधर से आते हैं इजिकल टू, इधर ब्रैकेट लगाते हैं एक, और हम इधर स्लोप लिखेंगे इन्वर्ट्स लेवल की स्लोप चाह रही होती है। तो इधर से स्लोप हमारी हम सेकेंड सेल के ऊपर आएंगे, इधर से इधर से इजिकल टू हम करेंगे। आपने इजिकल टू करना है और सबसे पहले ब्रैकेट लगा देनी है, इन्वर्ट लेवल टू माइनस आपने कर देना है इन्वर्ट लेवल वन, इसकी ब्रैकेट को क्लोज करना है, डिवाइडेड बाई आपने करना है, एक ब्रैकेट और लगानी है इधर से, और डिस्टेंस टू जो हमारा स्टेशन है माइनस स्टेशन वन करके आपने ब्रैकेट को इधर क्लोज करके एंटर कर देना। तो आप देखेंगे स्लोप हमारे पास वही आ जाएगी जो कि इधर हमारे पास लिखी हुई थी इसके ऊपर 0.0009 की। तो ये स्लोप को आप इसी तरह लगा सकते हैं इधर, और उस फार्मूले को आप लास्ट तक इसी तरीके से डबल क्लिक करके वो ले जाएंगे, तो सबके ऊपर ये आपकी स्लोप ऑटोमेटिकली लग जाएगी। जितनी जितनी स्लोप आ रही है जिस तरह लास्ट के ऊपर ये चेंज हो गई है, तो ये आपके पास इधर चेंज हो जाएगी स्लोप। जिधर भी अभी ये फार्मूला आपका लगा हुआ, जो भी आपका एलिवेशन इधर चेंज होएगा वो आपके उसके हिसाब से इधर स्लोप भी आपकी चेंज हो जाएगी और सारा कुछ इसकी वर्किंग हो जाएगी। इसी तरीके से आप इसके स्लोप के ऊपर एरोज भी लगा सकते हैं, आपकी स्लोप किधर जा रही है जो भी आपका होएगा उसके हिसाब से। तो आपने क्या करना है, इंसर्ट के ऊपर आ जाना है, इधर से ही आप देखेंगे ये शेप्स है, शेप्स के ऊपर आ जाना है, इधर से आप कोई भी एरोज वगैरह आप उठा सकते हैं, ये वाला एरो भी पिक कर सकते हैं और ये वाला एरो भी, जो से भी आपको बेहतर लगता है वो एरो आप इधर से सिलेक्ट करें और इधर आपने उसका एरो लगा देना है। लगाने के बाद आप इसकी डायमेंशन को बड़ा और छोटा कर सकते हैं और इसका कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने ये एक लगा दिया, आप कॉपी कर लें और उसको इधर जिधर जिधर आप रखना चाहते हैं उस साइज़ के सामने आप उसको इधर पेस्ट करते जाएं। तो ये आपके पास इसी तरीके से वो उसकी स्लोप की जो डायरेक्शन है वो सारी आ जाएगी। आप इसके एक दफ़ा पेस्ट कर दें, उसके बाद आप इसकी सेटिंग्स वगैरह को कर सकते हैं। आप इसी तरीके से इसके अंदर जो भी चीज़ लगाना चाहते हैं वो बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं और सारे कुछ वर्किंग आप इसकी कर सकते हैं, जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि इसके बाद इसको आप मैन्युअली एडजस्ट कर लें। जिधर भी आप इसको रखना चाहते हैं, इसकी जो भी सेटिंग करना चाहते हैं इनको आप मैनुअल कर लें और उधर से आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसका आगे पीछे इधर भी आप इसको रखना चाहते हैं, इसकी सेटिंग्स वगैरह सारी आप ईजिली कर सकते हैं इसके अंदर आने के बाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो ये भी आप देख रहे हैं कि एरोज वगैरह लग गए हैं। इसी तरीके से अगर आप इसके ऊपर एक कॉलम और ऐड कर दें, इधर आप डिस्टेंस रखना चाहते हैं मेन होल टू मेन होल डिस्टेंस कितना आएगा वो भी आप इधर से कॉपी करके कोई भी टेक्स्ट आप इधर पेस्ट कर दें और उसके साथ आपने इधर डिस्टेंस आपने लगा देना है, डिस्टेंस या आप इसको लेंथ कह लें, आप इधर से लेंथ लगा दें इसकी। उसको फार्मूला आप लगा सकते हैं कि इजिकल टू कर लें और उसमें आपने RD2 माइनस RD1 कर दें, तो ये हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी और यही फार्मूला आपने इसी तरह A टू Z आपने सारा लगा देना है। तो इसके बाद आप इसकी जो डायमेंशन फॉर्मेट पेंटर है आप इसको नीचे से पिक करके और ऊपर लगा दें, ताकि इसके डिस्टेंस वगैरह सारे सेम टू सेम आ जाएं, और जैसे आप इसको डबल क्लिक करके राइट क्लिक कर दें, इस सबको आपने सेलेक्ट कर लेना है और जैसे आपने राइट क्लिक करके और उसका बॉर्डर्स वगैरह आप बना सकते हैं, इसका जो भी आप बनाना चाहते हैं जिस शेप के अंदर भी इसको आप जैसे सेंटर कर दें, तो ये आपके सारा सेंटर्स के अंदर हो जाएगा। और इसी तरीके से आप इसकी एरोज की सेटिंग्स वगैरह को दोबारा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसकी सेटिंग्स आप इधर से इसको चेंज कर सकते हैं जिधर भी लगाना चाहते हैं, जिस तरीके से भी आप इसके अंदर इसकी सेटिंग्स वगैरह करना चाहते हैं वो सारी सेटिंग इसके अंदर हो जाएंगी। तो ये दोनों ऑप्शन है आपके सामने। ऑटो कैड के अंदर भी मैंने आपको बताया कि आप कैसे इसको ड्रा कर सकते हैं, उसके बाद मैंने आपको एक्सेल के अंदर भी बताया कि आप इसको एक्सेल के अंदर कैसे बना सकते हैं। इसका स्केल वगैरह आप इधर से अभी आप देख रहे हैं कि इसके ग्रिड्स वगैरह हैं, ग्रिड्स वगैरह को आप चेंज करना चाहते हैं आप इधर से उसको सेलेक्ट कर लें। अभी आप देख रहे हैं कि 200 से लेकर 218 तक हमारे पास एलिवेशन जा रहा है, तो आप इसको अगर छोटा करना चाहते हैं तो आप इधर से
210 या 21208 से लेके 218 तक आप कर सकते हैं, तो ये आपका स्केल इधर से बड़ा हो जाएगा, आपकी जो भी लेंस वगैरह जिधर आ रही होंगी वो सारी इधर से चेंज हो जाएंगी, जो भी एलिवेशन आप इधर रखेंगे टॉप और बॉटम का वो सारा ऑटोमेटिकली इधर से उसी तरीके से इसकी सेटिंग होती जाएगी, जो जिधर आप समझते हैं कि आपके पास इसकी सेटिंग ठीक हो रही है आप उधर से इसकी सेटिंग्स वगैरह को कर सकते हैं। और उधर से आप कॉलम को भी सिलेक्ट करके और इसके जितने भी इसके प्रिंट के हिसाब से कॉलम विड्थ वगैरह आप देना चाहते हैं 25 की देना चाहते हैं तो बहुत बड़े हो जाएंगे। इसी तरीके से आप थोड़ा सा इसका स्केल में जैसे डाउन करता हूँ और डाउन करने के बाद आप इसको देखेंगे कि हमारे पास पूरा स्केल हमारे पास बड़ा हो गया इसका। आपने इसी तरीके से जो सा भी आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं जिस तरीके से भी करना चाहते हैं कॉलम विड्थ आप ये हमने 25 रखी है, आप इसकी 12 रखेंगे, ये आपकी पूरी सेटिंग्स वगैरह इसके अंदर हो जाएगी। इसी तरीके से इसका स्केच वगैरह जो भी आप बनाना चाहते हैं बड़ा या छोटा मैनुअल भी कर सकते हैं कि जैसे आपने ये वाला जो एलिवेशन के टेबल है इसको आप इतना ही इंसर्ट कर दें ये बड़ा हो जाएगा, आपके पास ऊपर वाला चार्ट आपका इधर से बड़ा हो जाएगा। तो अभी आपने ये जो हमने डेटा वगैरह इधर बनाया था इसको आप इधर से सेलेक्ट करके और डिलीट कर दें तो ये आपके पास ये डेटा जो हमने लिखा था सारा का सारा उसी तरीके से हमारे पास इधर आ जाएगा। तो ये अभी आप जो भी एलिवेशन वगैरह इधर लगाना चाहेंगे जो भी इधर चीज़ करना चाहते हैं उसके मुतालिक मैंने आपको डिटेल से इस वीडियो के अंदर समझाया है। तो इधर से आप इसकी मजीद सेटिंग प्रिंटिंग वगैरह की कर सकते हैं, आप इधर से पेज ब्रेकअप के ऊपर आ जाएँ और इधर से आपने अगर आप उसको वन स्केल के ऊपर रखना चाहते हैं तो जैसे जितने आपके ये स्केल बने हुए हैं सबको आप खत्म कर दें तो ये आपका वन स्केल के ऊपर आ जाएगा। कंट्रोल पी कर दें तो अभी आप देखेंगे इसका स्केल थोड़ा सा हमारे पास इधर आउट है, तो आपने इधर से पेज सेटअप के ऊपर आना है और इधर से लैंडस्केप इसको कर देना है और उसकी एडजस्टमेंट वगैरह आप इसकी बढ़ा सकते हैं इधर से इसी तरह पेज सेटअप के ऊपर आके, और ये जो हमारे पास एडजस्ट हुआ है इसकी सेटिंग्स वगैरह आप सिर्फ अपने तरीके के साथ कर सकते हैं जितनी भी आप करना चाहते हैं, एक पेज के ऊपर रखना चाहते हैं, टू के ऊपर रखना चाहते हैं, जितनी के ऊपर रखना चाहते हैं, इसकी सारी सेटिंग्स ईजीली हो जाती हैं, प्रिंटिंग सेटिंग हो जाएगी और सारा कुछ ये आप इसकी वर्किंग आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, जस्ट सिंपल वे के जरिए मैंने आपको बताया कि आप इसके अंदर क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने जो लाइन्स जा रही हैं आप उसका कलर उसी लाइन के हिसाब से नीचे डेटे के ऊपर कर दें, या वहाँ पर ग्रीन जा रहा था आपने इसका इसको सिलेक्ट करके और इसका बैकअप भी आप ग्रीन कर सकते हैं, और जैसे अगर आप इसका कलर पॉइंट्स का कलर करना चाहते हैं वो भी ग्रीन करके और बोल्ड कर सकते हैं, और जैसे इसका टेक्स्ट साइज वगैरह बड़ा और छोटा आप कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे इनवर्ड लेवल जा रहे थे आप इसको भी जैसे रेड कर दें, जो हमारे पास ऊपर जा रहा है इसको आप बोल्ड कर दें, और जो हमारे पास थर्ड लाइन जा रही थी वो ब्लैक जा रही थी आप उसको एज इट इज़ ब्लैक रहने दें और जैसे आप उसको बोल्ड कर दें जो भी आपके पास सेटिंग्स वगैरह आ रही होगी। इसी तरह ये आरडी आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास थोड़ी कम आ रही है तो आपने जैसे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना ताकि आरडीज आपकी इधर क्लियर हो जाए। तो ये इस तरीके से आप काम करते हुए अपनी और पूरी कंप्लीट प्रोफाइल को एक्सेल के अंदर ड्रा कर सकते हैं। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस शीट का लिंक मैं रख दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसे देख के इसको डाउनलोड करके और अपना काम कर सकते हैं, जिसके अंदर ये मुख्तलिफ लेवल शीट्स वगैरह बनी हुई है, इसके अंदर ये सिल्वर लाइन कैसे, पहले मैंने काफ़ी डिटेल में आपको 6-7 पार्ट्स के अंदर पूरी इसकी डिटेल बताई थी, और ऑटो कैड के अंदर ये प्रोफाइल बनाना भी बताया था कि आप इसको प्लान प्रोफाइल को आप कैसे बना सकते हैं ऑटो कैड के अंदर कंप्लीट प्लान के साथ, पूरी वर्किंग बताई थी इसकी सारी, सिविल लाइन के लेवल्स डेटा वगैरह के मुतालिक बताया था आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो उसके 5 या 6 पार्ट्स हैं वो आप मेरे बिल्कुल इसके स्टार्ट में लगी हुई हैं, आप उधर से इसको देख सकते हैं और अपना जो भी कंसेप्ट है वो आप क्लियर कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको ये सारे फार्मूलाज के ऊपर और सारी एक्सेल शीट की सारी कंप्लीट वर्किंग्स वगैरह के बारे में भी मैंने आपको बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।